हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एक्सप्लोर दी फाइनेंस एंड ये है मिलेनियस माइंडसेट का चैप्टर नंबर 8। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मिलेनियस माइंडसेट के सारे वीडियोस को देखा होगा, इस सीरीज को फॉलो किया होगा, तो आपको एक स्ट्रैटेजी समझ में आ गया होगा आपको शुरुआत कहां से करना है और आपको ये इन्वेस्टमेंट की दुनिया में कदम कब रखना है। तो चैप्टर नंबर 8 की शुरुआत हम करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग स्टोरी जो कि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है। और इस स्टोरी का जिक्र वॉरेन बफेट सर ने 2005-06 के इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी मीट में किया था। एक गॉटरॉक्स नाम का एक फैमिली था यूएस में, जो इसमें 30-40 लोगों का फैमिली था। ये बहुत फिल्दी रिच फैमिली हुआ करता था यूनाइटेड स्टेट्स में। इनकी इन्वेस्टमेंट्स इंडेक्स में लिस्ट होने वाली लगभग सारे कंपनीज में थे। तो जैसे जैसे यूएस का इकोनॉमी ग्रो करता था, इनके वेल्थ भी बढ़ते जाते थे। लेकिन उसी फैमिली में कुछ ऐसे लोग थे जो बाकी लोगों से जलन था, जिनको जो ईर्ष्या रखते थे। तो उन्होंने सोचा कि इनसे ज़्यादा वेल्थ मुझे मल्टीप्लाई अगर करना है तो मुझे कुछ डिफरेंट स्ट्रैटेजी अपनाना होगा। उस डिफरेंट स्ट्रैटेजी के तहत उन्होंने एक फाइनेंशियल एडवाइजर्स को हायर किया। फाइनेंशियल एडवाइजर्स के सजेशन पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया। वापस कुछ साल बाद उन्होंने नोटिस किया कि उनका वेल्थ मल्टीप्लाई होने की जगह पे डिटोरिएट होते चला गया। ऐसा क्यों हुआ, इसको वॉरेन बफेट सर ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कोट में मेंशन किया है। व्हेन द मोशन और एक्टिविटी इन द मार्केट इंक्रीजेस, योर प्रॉफिट डिक्रीजेस। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोट और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज छिपा हुआ है। फर्स्ट कि जैसे आप फाइनेंशियल एडवाइजर हायर करते हैं, आपको कुछ फीस देना पड़ता है, कुछ ब्रोकरेज देना पड़ता है। वो कहाँ से देंगे, आपके प्रॉफिट से निकल के जाता है। आपके बिहाफ पे वही फाइनेंशियल एडवाइजर्स स्टॉक्स को परचेस करते हैं, सेल करते हैं। तो जब आप प्रॉफिट अर्न करते हैं तो उस पर टैक्स आपको देना पड़ता है। वो कौन भरेगा, आप ही को भरना है, आपके प्रॉफिट से जाएगा वो। और बहुत सारे फाइनेंशियल एडवाइजर्स फीस भी लेते हैं। तो इस तरीके से जैसे जैसे एक्टिविटी आपके इन्वेस्टमेंट को लेकर के बढ़ता है, आपका प्रॉफिट भी घटता है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज है उनके लिए जो सैलरीड क्लास है, और उनके लिए भी जो इन्वेस्टमेंट की दुनिया में नया आए हैं। सो दिस इज़ द वेरी इम्पॉर्टेंट मैसेज वॉरेन बफेट सर वांट टू गिव अस थ्रू दिस स्टोरी। और ये हम पर कैसे अप्लाई होता है, जब हम मार्केट में नए होते हैं ना, तो हमें कुछ पता नहीं होता है कि मार्केट कैसे काम करता है, हम कैसे प्रॉफिट यहाँ से निकाल के जा सकते हैं। सो वी एंड अप डूइंग ऑल दोज फैंसी स्टफ्स लाइक इंट्राडे ट्रेडिंग कर लिया, फ्यूचर ट्रेडिंग कर लिया, ऑप्शन ट्रेडिंग कर लिया, कहीं से भी कुछ टिप्स मिला पेनी स्टॉक का, हम उसमें सारे पैसे लगा डालते हैं एंड वी एंड अप लूजिंग एवरीथिंग। सो दिस इज नॉट द करेक्ट अप्रोच। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू गिव यू 5 सिंपल स्ट्रैटेजीज कि आप अपने सैलरी कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये मिलेनियस माइंडसेट का लास्ट चैप्टर है। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को बहुत ही केयरफुली वॉच करिएगा और यहाँ से बहुत कुछ सीख के जाइएगा और इंप्लीमेंट करिएगा। लास्ट तक ये वीडियो देखिए एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज गिव इट अ थम्स अप, और जो अच्छा लगता है उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताइए, तभी मुझे और इससे भी अच्छे वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की तरफ बढ़ने से पहले हमें यह जानना है कि हमारा इनकम कितना है इन्वेस्ट करने के लिए। इसके लिए मैं 50,000 रुपीज का सैलरी का एग्जाम्पल लेता हूँ। आपकी जितनी भी सैलरी होगी उसे आप एज्यूम कर लो यहाँ पे, और यहाँ पे हम चलेंगे वापस बजट वाली प्रिंसिपल की तरफ, जो कि ये कहता है कि हमारी ये सैलरी का 50% नीड्स की तरफ होना चाहिए, 30% वांट्स की तरफ होना चाहिए एंड 20% जो बचा वो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होना चाहिए, जो हर साल आपको बढ़ाते जाना है 20 से 21, 22, 23 और इस तरीके से। तो यहाँ पे 50,000 का 20% होता है 10,000 रुपीज मंथ। अब पूरी शिद्दत के साथ 10,000 रुपये हर महीने आपको इन्वेस्ट करना ही करना है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट की दुनिया में बिल्कुल नए हैं तो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो आपके लिए होगा दैट इज 20% ऑफ 10,000 रुपीज विच इज 2,000 रुपीज पर मंथ शुड बी इन्वेस्टेड इन बॉन्ड्स। एंड यहाँ पे मैं 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बॉन्ड के बारे में बताऊंगा। हालांकि अगर आपको बॉन्ड मार्केट के बारे में ज़्यादा नॉलेज अगर नहीं है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप बॉन्ड मार्केट के ऊपर एक सेपरेट वीडियो चाहते हैं, तो मैं एक नया वीडियो बना लूँगा। सो फर्स्ट की पॉइंट इज रिस्क कैटेगराइजेशन। अब स्टॉक मार्केट सबसे ज़्यादा रिस्की है, तो वहाँ पर रिटर्न भी आपको सबसे हाई मिलेगा। उससे नीचे आता है बॉन्ड मार्केट। बॉन्ड मार्केट FD से ज़्यादा रिस्की है, तो यहाँ पर FD से ज़्यादा रिटर्न भी आपको ला के देगा। तो इसका रिस्क अगर देखें तो FD
उसके बाद आता है बॉन्ड मार्केट और उसके बाद आता है स्टॉक मार्केट। सो रिटर्न भी अगर हम देखें तो एफडी से ज़्यादा रिटर्न बॉन्ड मार्केट से मिल सकता है और बॉन्ड मार्केट से ज़्यादा रिटर्न आपको स्टॉक मार्केट में मिलेगा। तो ये तो फर्स्ट है रिस्क कैटेगराइजेशन। सेकेंड की पॉइंट है कि आप इन्वेस्टमेंट बॉन्ड मार्केट में दो तरीके से कर सकते हैं, एक डेट म्यूचुअल फंड से या और दूसरा डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से। डेट म्यूचुअल फंड में फिर एक नेगेटिव बात यह आती है कि यहाँ पे आप किसी फंड मैनेजर की आपका बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्टमेंट होगा तो जो प्रोफेशनल फीस या ब्रोकरेजेस वो चार्ज करेगा वो आपके प्रॉफिट से माइनस होगा। तो मैंने आपको पहले ही एक स्टोरी बताई थी गॉटरॉक्स फैमिली वाली, वहाँ पे मोशन जितना भी बढ़ता है रिटर्न्स उतने कम होते हैं, यहाँ पे सेम वो स्टोरी अप्लाई हो जाता। सेकेंड ऑप्शन है कि आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करिए बॉन्ड मार्केट में, किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू जो आपको अच्छा लगता हो वहाँ पे जाइए, बॉन्ड सेलेक्ट करिए और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर डालिए। यहाँ पे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपका रिटर्न ज़्यादा मिलेगा, नो कमीशन, नो ब्रोकरेजेस, नथिंग। सेकेंड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इज इंडेक्स इन्वेस्टिंग। इंडेक्स इन्वेस्टिंग को अगर सिंपल वे में बताऊं तो सेंसेक्स में या निफ्टी 50 में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो इंडेक्स इन्वेस्टिंग होता है। इंडेक्स इन्वेस्टिंग इज द बेस्ट काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट यू कैन डू बिकॉज यहाँ पे आपको लीस्ट कमीशन चार्ज किया जाता है, तो आपका प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम यहाँ पे हो सकता है। और दूसरा फायदा ये भी है कि आप जब इंडेक्स इन्वेस्टिंग करते हैं तो इंडिया के ग्रोथ पे पैसे लगाते हैं एंड मोस्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड्स कैन नॉट इवन बीट द रेट ऑफ रिटर्न विच इंडेक्स इन्वेस्टिंग गिव्स यू इन द लॉन्ग रन ऑब्वियसली। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा है इंडेक्स इन्वेस्टिंग करने से। सो यहाँ पे आपको करना ये है कि जो आपका इन्वेस्टेबल अमाउंट था 10,000 रुपीज़ का, उसका 30% दैट इज 3,000 रुपीज़ हर महीने पूरी शिद्दत के साथ SIP की तरह आपको इंडेक्स इन्वेस्टिंग करना है। और अगर आप इसे हर साल 500 रुपये से भी बढ़ाते हैं तो एट द एंड ऑफ द 20 ईयर्स आपके पास 55 लाख से भी ज़्यादा का फंड जमा हो जाएगा एट द रेट ऑफ 12% पर एनम इंटरेस्ट। सो इंडेक्स इन्वेस्टिंग इज द सेकेंड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। अब चलते हैं थर्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की तरफ। लेकिन थर्ड ऑप्शन की तरफ चलने से पहले मैं आपके एक क्वेश्चन का आंसर देता हूँ, 30% ही क्यों इंडेक्स इन्वेस्टिंग में, अगर इतना अच्छा है तो 100% क्यों नहीं कर सकते? लेकिन इसके लिए आपको इंडेक्स इन्वेस्टिंग का या निफ्टी 50 का पूरा चार्ट निकालना होगा, एंटायर हिस्ट्री निकालनी होगी और वहाँ आप ये नोटिस करोगे कि 2010 से लेकर के 2014 तक का जो गैप था, और ऐसे भी और कई गैप हैं, मैं एक सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ यहाँ पे, वहाँ पे आपको कोई रिटर्न नहीं मिला। देन आप ये बोल सकते हो कि हे एक्सप्लोर द फाइनेंसेस गिविंग मी सम रॉन्ग सजेशंस, अनसब्सक्राइब फ्रॉम दिस चैनल एंड मूव अवे। बट यहाँ पे आपको पेशेंस रखना है, फ्यूचर में भी ऐसे सिचुएशंस आ सकते हैं और आपको इंडेक्स इन्वेस्टिंग किसी भी हाल में छोड़ना नहीं है, तब आपको समझ में आएगा लॉन्ग रन में इंडेक्स इन्वेस्टिंग कितना ज़बरदस्त रिटर्न देता है। देयरफोर यहाँ पे मैं सजेस्ट आपको ये करूँगा कि आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैंने 20% आपको बोला बॉन्ड में इन्वेस्ट करिए, 30% इंडेक्स में इन्वेस्ट करिए एंड जो रेस्ट अभी 50% बचा है उसे भी हम ब्रेक करते हैं। तो 30% जो अगला अमाउंट होगा आपका इन्वेस्टमेंट का वो होगा स्टॉक मार्केट में। बिकॉज यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो बोलेंगे कि नो आई वॉन्ट टू लर्न समथिंग, आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर शेयर मार्केट, और अगर मैं इन्वेस्ट नहीं करूँगा तो सीखूंगा कैसे, दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट। तो इसीलिए इनिशियल स्टेज पे हम अपना बड़ा पैसा डुबाए ना, लॉस में ना लेके आए, इसीलिए मैंने बोला यहाँ पे 30% आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो होगा वो आप शेयर मार्केट में कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक बात नए इन्वेस्टर्स के लिए खास करके सजेस्ट करूँगा, जो मैंने भी अपनाया है, इवन आज भी उसे कंटिन्यू करता हूँ, कि आपको ऐसे 5 कंपनीज चूज करना है मार्केट में जो बहुत अच्छा हो और उसमें अपना 30% ऑफ द इन्वेस्टेबल अमाउंट जो होगा उसे हर महीने उस 5 कंपनीज में आपको SIP की तरह इन्वेस्ट करते जाना है। अब ये 5 कंपनी को चूज करने का एक सिंपल सा आइडिया मैं आपको देता हूँ, आपको कुछ नहीं करना, एक कंपनी लेनी है, फॉर एग्जांपल जैसे TCS, इसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जाके देखना है कि ये कंपनी कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है एवरी ईयर, ईयर ऑन ईयर, एंड ये प्रॉफिटेबल है या नहीं। सेकेंड, आपको उसके प्रोफाइल में जाना है और ये देखना है कि कंपनी का फ्यूचर का ग्रोथ कैसा है। आपको ये स्टडी करना होगा, थोड़ा एनालाइज करना होगा कि इसका जो डिमांड होगा फ्यूचर में वो अच्छा होगा या नहीं, कंपनी का ग्रोथ अच्छा होगा या नहीं। अगर ये दो क्राइटेरिया फुलफिल करती है कंपनी, कि प्रॉफिट अच्छा है, कंपनी की प्रॉफिट साल दर साल बढ़ते जा रही है एंड कंपनी का ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स बहुत अच्छा है,
तब आप ये कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में डाल सकते हैं। और ऐसे 5 कंपनी को चूज करिए अलग अलग सेक्टर से, जैसे आपका FMCG एक होगा, एक IT कंपनी होगा, एक फार्मा कंपनी होगा और एक फोर्थ कंपनी या फिफ्थ कंपनी, आप सेक्टर आप कोई भी उठा सकते हो। इस तरीके से आप हर महीने अपना 30% स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे। अगर आप इस तरीके से करते हैं तो आपको 2 फायदे होंगे। पहला, आपको जो कॉस्ट होगा कंपनी के शेयर जो परचेस करते हैं हर महीने, वो एवरेज आउट हो जाएगा। और सेकंड फायदा ये होगा कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो कमिंग एट द लास्ट 4th और 5th ऑप्शन, यहाँ पे जिसके पास समय नहीं है बॉन्ड मार्केट में रिसर्च करने के लिए, इंडेक्स इन्वेस्टिंग में टाइम नहीं लगा सकते, स्टॉक मार्केट में जाकर के कंपनीज चूज नहीं कर सकते, उतना अगर टाइम नहीं है तो आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसमें भी अच्छा होगा कि अगर आप पैसिव म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करें जहाँ पे लीस्ट कमीशन हो, वो आपके लिए ज़्यादा फायदा होगा। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान ये भी रखना है कि हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा कमीशंस पे आउट करना पड़ सकता है। देयरफॉर सेलेक्ट पैसिव म्यूचुअल फंड्स, और एल्स ये भी नहीं कर सकते तो आप जा कर के डायरेक्टली म्यूचुअल फंड्स में किसी बढ़िया कंपनी से आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स या मिड कैप म्यूचुअल फंड्स आप खरीद सकते हैं। इसमें आपको खुद चूज़ करना होगा कौन सी अच्छी कंपनी है, बिकॉज बहुत सारे वीडियोस इस पे अवेलेबल हैं और अच्छी कंपनीज भी हैं बहुत सारे। और लास्ट ऑप्शन ये बचता है कि अगर आप सुपर बिजी हैं, आपके पास कुछ भी समय नहीं है और आप चाहते हैं फिर भी आप एक अच्छा रिटर्न लेके जनरेट कर पाए बिना नॉलेज के, तो आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस ट्राई कर सकते हैं। जहाँ पे आपको हैवी अमाउंट चाहिए होगा लेकिन इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जैसे आप बहुत सारे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज की कंपनी है वहाँ पे आप पैसे दे दोगे, वो आपके बिहाफ पे ये सारे काम करेंगे, ट्रेडिंग करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो सब कुछ करेंगे और इस रिटर्न में वो एक अच्छा खासा कमीशन लेके जाएंगे। मैं कुछ एग्जांपल्स पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज का भी दे सकता हूँ, जैसे कि मार्सेलस रन बाय सौरभ मुखर्जी, मोतीलाल ओसवाल एक्सेट्रा। बट सबसे बड़ा डिमेरिट यहाँ पे ये है ना कि यहाँ पे आपको बहुत ही हाई टिकट साइज अमाउंट चाहिए होता है, कमीशन भी आपको 2-3% हो सकता है देना पड़ सकता हो। सो द लास्ट क्विक समरी इस वीडियो का कि आपका जितना भी इन्वेस्टेबल अमाउंट बनता है, जो भी आपकी सैलरी है उसका, आप जैसे 50,000 सैलरी है, 20% आपका इन्वेस्टेबल अमाउंट है, दैट इज 10,000 रुपीज, जिसमें आपको यहाँ पे आपको 20% अमाउंट बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट करना है, जिसमें आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जरूर खरीद लें, वो बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है। 30% इंडेक्स इन्वेस्टिंग करने के लिए, उसके बाद 30% स्टॉक मार्केट में 5 कंपनी चूज करना और उसमें हर महीने आपको SIP की तरह इन्वेस्ट करना है, एंड लास्ट में 20% म्यूचुअल फंड्स में कर सकते हैं इन्वेस्ट। सो अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा मिलता है, वैल्यू मिलती है, तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर 90% लोगों से अगर आपको ऊपर बढ़ना है और ऐसे वीडियोस देखने हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले सीरीज़ में। होप कि आपको मिलेनियल्स माइंडसेट का ये पूरी सीरीज़ आपको बहुत अच्छा फ़ायदा देगा। आप ज़रूर इसे फ़ायदा उठाइए, इन्वेस्ट करिए, अमीर बनिए, फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर इन्वेस्टमेंट जर्नी।